वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो इन एन इकोनॉमी. नाउ किड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग. अब जो है आपका जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी की बात की जाएगी. अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस यू हैव ओनली एंड ओनली टू सेक्टर इकोनॉमी इन योर सिलेबस. बट इन द वीडियो I will be discussing three sector and four sector economy as well. क्यों? क्योंकि सिलेबस इसी साल चेंज हुआ है and there is a possibility कि ऐसा ना हो कि कुछ पुराने सिलेबस से भी आ जाए and we really don't want you child, you children to get stuck anywhere. इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत आपको information जो three sector और four sector जो कि पिछले batch तक आता था उसके बारे में भी दी. There is no harm, आप ज़्यादा समझ. लेकिन दिक्कत तब आती है जब पेपर में कुछ ऐसा आ जाए जो आपने ना किया हो. So we really attempt कि आपको वो सारी चीजें आएं जिनकी 1% भी पॉसिबिलिटी है पेपर में आने की. ठीक है? So मैंने I have not only discussed two sector economy but I have also discussed three sector economy and four sector economy as well. तो let us start first with the two sector economy. टू सेक्टर इकोनॉमी का जो फ्लो चार्ट है वो कुछ इस तरीके का होगा और इसके अंदर जो पहला पार्ट है उसके अंदर देयर आर नो सेविंग्स. ठीक है, याद रखिए टू सेक्टर इकोनॉमी विद नो सेविंग्स या नो बैंकिंग सिस्टम इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा. क्या होगा उसमें? एक साइड पे आएंगी आपकी फर्म्स या फिर आपकी प्रोड्यूसिंग सेक्टर, दूसरी साइड में आपका दूसरा सेक्टर कौन सा होगा? हाउसहोल्ड्स या फिर कंजम्पशन या कंज्यूमर सेक्टर. तो कौन से दो सेक्टर्स है टू सेक्टर इकोनॉमी में? पहला सेक्टर है प्रोडक्शन सेक्टर या प्रोड्यूसिंग सेक्टर और दूसरा सेक्टर जो है वो है आपका कंज्यूमर सेक्टर या फिर आपका हाउसहोल्ड सेक्टर. तो टू सेक्टर्स प्रोडक्शन सेक्टर एंड कंजम्पशन सेक्टर. क्या है मूवमेंट, किस तरह से सर्कुलर फ्लो है? लेट अस टेक अ लुक. सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले जो हाउसहोल्ड्स है उन्होंने जो हाउसहोल्ड्स हैं उन्होंने सबसे पहले हाउसहोल्ड्स ने प्रोड्यूसर्स को या फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दी. व्हाट डिड दे डू? दे डू द फर्स्ट थिंग दे डिड इज दे गेव फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, एंटरप्राइज, कैपिटल, लेबर और लैंड के फॉर्म में हाउसहोल्ड्स ने फर्म्स को क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज दी. इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो फर्म्स हैं उन्होंने हाउसहोल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स दी. ठीक है, क्या हुआ? हाउसहोल्ड्स ने फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज और फर्म्स ने हाउसहोल्ड्स को इन सर्विसेज के बदले में कुछ पैसा दिया. उस पैसे को हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स और उनका नाम क्या होता है? लैंड के बदले में रेंट मिला, लेबर के बदले में वेजेस मिली, कैपिटल के रिटर्न में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट्स. ठीक है, ये हुआ आपका साइकिल वन. नेक्स्ट साइकिल में क्या होता है भाई? अगर हाउसहोल्ड्स ने फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दिए तो जाहिर सी बात है फैक्टर सर्विसेज से या फैक्टर सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए. ठीक है, अब वो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ जाएंगे? वो गुड्स एंड सर्विसेज वापस जाएंगे हाउसहोल्ड्स के पास. क्यों? क्योंकि जो हाउसहोल्ड्स के पास फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में पैसा आया है वो उसको इस्तेमाल करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे ताकि गुड्स एंड सर्विसेज को वो कंज्यूम करें, अपनी डेली नीड्स को पूरा करें गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हुए. और इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के बदले में हाउसहोल्ड्स ने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो दिया फर्म्स को. राइट, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दी हाउसहोल्ड्स ने फर्म्स को जिसके बदले में फर्म्स ने हाउसहोल्ड्स को दिए फैक्टर पेमेंट्स. फैक्टर सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए फर्म्स ने प्रोड्यूस किए गुड्स एंड सर्विसेज और उन गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाया उन्होंने कंज्यूमर्स तक, यानी कि वापस हाउसहोल्ड्स तक पहुंचाया, जिसके बदले में
फर्म्स को जो मिला वो मिला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पैसे मिले उसको। अब इसके अंदर रियल फ्लो क्या है? रियल फ्लो है आपका 1 यानी कि फैक्टर सर्विसेज, एंड रियल फ्लो है आपका 3, रियल फ्लो है आपका 1 एंड रियल फ्लो है आपका 3 विच इज योर गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज योर मनी फ्लो? मनी फ्लो के अंदर यू हैव फैक्टर पेमेंट्स एंड यू हैव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। नाउ इसके अंदर देखने की बात क्या है, गौर करने की बात यह है कि जितना फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में हाउसहोल्ड्स के पास पैसा आया था वो सारा का सारा पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में उन्होंने वापस फर्म्स के पास या प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास पहुंचा दिया। तो जितना भी पैसा इकोनॉमी में घूम रहा है वो एज इट इज है, देयर इज नो चेंज इन दैट मनी। जो पैसा फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में आया हाउसहोल्ड्स के पास वो उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में वापस से प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास पहुंचा दिया। तो इकोनॉमी में जितना पैसा घूम रहा है तो उतने का उतना है, ना तो उसमें कोई सेविंग है और ना ही कोई बोरोइंग का जरिया है इस टाइप की इकोनॉमी। लेट अस सी व्हाट हैव वी नोटिस्ड, कंक्लूजंस क्या है। जितनी प्रोडक्शन है उतनी कंजम्पशन है, यानी जितना का जितना जितना भी जो आपकी फर्म्स है वो प्रोड्यूस कर रही है सारे का सारा जो है वो हाउसहोल्ड्स कंज्यूम कर रहे हैं, देयर इज नो वेस्टेज। दूसरी कंक्लूजन क्या है? दूसरी कंक्लूजन ये है कि जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज सॉरी जितनी भी फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट्स मिल रही है आपके जो हाउसहोल्ड्स हैं वो सारा का सारा फैक्टर इनकम के बराबर है। नेक्स्ट जो कंक्लूजन है वो है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि हाउसहोल्ड्स जो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में खर्च कर रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट्स तक पहुंचा रहे हैं वो जो है इट इज इक्वल टू योर फैक्टर इनकम, यानी कि ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो उनकी इनकम के बराबर है, जितना वो कमा रहे हैं उतना वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम का मतलब क्या है? जितना आपके जो प्रोड्यूसर्स कमा रहे हैं उतना ही वो खर्च कर रहे हैं। एंड द लास्ट कंक्लूजन इज योर रियल फ्लो इज इक्वल टू योर मनी फ्लो, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसके बदले में उतनी बराबर पेमेंट्स हो रही हैं और जितनी फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसके बराबर उसके इक्विवेलेंट फैक्टर पेमेंट्स हो रही हैं, राइट। सो फोर थिंग्स दैट वी नोटिस देयर आर, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, एंड योर रियल फ्लो इज इक्वल टू योर मनी फ्लो, राइट। नेक्स्ट लेट अस मूव टू the new segment which is two sector economy with financial market. इससे पहले जो हमने किया था उसके अंदर there was no banking system, लेकिन ये जो है इसके अंदर banking system exist करेगा, ठीक है। क्या नाम दिया है उसको? उसको नाम दिया हमने capital market का। इसको banks कर सकते हैं आप, banking system, financial market, financial institution, हर बुक में अलग नाम से दिया जाता है, लेकिन इसका बेसिक मतलब बैंकिंग सिस्टम है। पहले की तरह ही रहेगा ये एज इट इज। क्या होगा इसमें? फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी और जो हाउसहोल्ड्स हैं वो पैसा खर्च के इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे, ठीक है। हाउसहोल्ड्स जो है वो फैक्टर सर्विसेज देंगे और इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो फर्म्स हैं वो हाउसहोल्ड्स को क्या देंगी? फैक्टर पेमेंट्स देंगी। ये याद रखिए आपका जो एरो है उसकी मूवमेंट सही होनी चाहिए, ठीक है। फैक्टर पेमेंट्स फर्म टू हाउसहोल्ड्स जाती है तो इसलिए एरो का मूव साइड है, और हाउसहोल्ड से फर्म्स तक फैक्टर सर्विसेज जाती है इसलिए इस साइड होगी। बिल्कुल सेम है चीज, बस जो चेंज आया है वो ये है कि क्योंकि इसके अंदर कैपिटल मार्केट की एंट्री हो गई है तो फर्म्स कुछ पैसा आप सेव करना शुरू कर देंगी। तो सेविंग्स कहाँ होगी? इस डायरेक्शन में, यानी कि फर्म्स बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सेव करेंगे और जब भी फर्म्स को जरूरत पड़ेगी पैसे की सो दे विल बोरो फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट,
मेक श्योर आप जो एरोज है उनकी मूवमेंट, उनका जो फेस है वो सही डायरेक्शन में रखें. एंड सिमिलरली जो हाउस होल्ड है दे विल ऑल्सो सेव सम अमाउंट. हम लोग सेव करते हैं बैंक पैसा रख करके, तो हाउस होल्ड भी अपना जो पैसा है वो थोड़ा बहुत सेव करेंगे और कैपिटल मार्केट या बैंकिंग सिस्टम के अंदर वो रखेंगे इस पैसे. नेक्स्ट ये टू सेक्टर इकोनॉमी का था, आप इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करें. किस तरह से एक्सप्लेन करना है मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको. ये है आपके प्रोड्यूसर्स या फर्म्स, ये है आपके हाउस होल्ड, ठीक है, और बीच में आपने बैंक डाल दिया है. इस तरह से इसको एज इट इज एक्सप्लेन करें. हाउस होल्ड जो है, वंस अगेन हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देंगे और इसके बदले में हाउस होल्ड देंगे फैक्टर पेमेंट्स. प्रोड्यूसर्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज देंगे हाउस होल्ड को और इन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड से वो लेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोड्यूसर्स जो है कुछ अमाउंट सेव करेंगे बैंक में और जब भी पैसे की जरूरत होगी तो दे विल बोरो. सिमिलरली हाउसहोल्ड विल आल्सो सेव इन द बैंक्स, राइट. ये आपका है, आप यही चीज वर्बली अपने मतलब इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स आप अपने एग्जाम्स में लिखे अलॉन्ग विद द फ्लो चार्ट. नेक्स्ट इज योर थ्री सेक्टर इकोनॉमी. अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सबसे पहले गौर करने की बात ये है कि भाई हमारा जो सेक्टर्स है वो क्या क्या है. पहला सेक्टर आपका रहा प्रोड्यूसर्स का या फर्म्स का, दूसरा सेक्टर रहा आपका हाउस होल्ड्स का और तीसरा जो सेक्टर है वो आया नया गवर्नमेंट, ठीक है. द थर्ड सेक्टर दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर इज द गवर्नमेंट सेक्टर. सेम वैसे चलेगा, फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज देंगी, हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज देंगी हाउस होल्ड्स को और हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में. जो गुड्स हैं जो हाउस होल्ड हैं वो देंगे फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज के बदले में उनको जो है फर्म्स देंगी क्या पेमेंट्स फॉर फैक्टर सर्विसेज, राइट. नाउ गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट नहीं इंट्रोड्यूस हुई है अब तक तो वही चल रहा था जो हमने पढ़ा था. गवर्नमेंट का क्या नया रोल आया आइए देखते हैं. जो फर्म्स हैं वो गवर्नमेंट को देंगी गुड्स एंड सर्विसेज. फर्म्स क्या दे रही है गवर्नमेंट को, ऑब्वियसली फर्म्स क्योंकि प्रोड्यूस कर रही है तो फर्म्स गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज देंगी. और गवर्नमेंट क्या करेगी, इनके बदले में गवर्नमेंट परचेजेस गुड्स तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होगी गवर्नमेंट किसको देगी, फर्म्स को देगी. उसके बदले में सरकार क्या करती है, कई बार टैक्सेस लेती है, तरह तरह के जो टैक्सेस हैं वो फर्म्स जो है गवर्नमेंट को देंगे. सो देयर विल बी सम टैक्स पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स टू द गवर्नमेंट. ये हो गया फर्म्स का पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द हाउसहोल्ड्स पार्ट. हाउसहोल्ड्स क्या करेंगे, कुछ हाउसहोल्ड्स होंगे जो सरकार के पास भी काम कर रहे होंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे होंगे, तो फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट को भी देंगे हाउसहोल्ड्स, जिसके बदले में they will take wages and salaries और कुछ transfer payments. Transfer payments क्या होती है, भी transfer payment होती है one sided payments, जैसे कि old age pensions देती है government या सरकार मतलब pensions देती है, unemployment allowances देती है, ये सारी जो चीजें होती है transfer payment होती है जिसके बदले में हम किसी भी तरीके की service नहीं देते बदले में, ठीक है ना. सो गवर्नमेंट सिंस हाउसहोल्ड्स आर गिविंग फैक्टर सर्विसेज द गवर्नमेंट विल गिव वेजेस सैलरीज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स टू द हाउसहोल्ड्स और इन रिटर्न इट विल टेक सम टैक्स पेमेंट्स फ्रॉम द हाउसहोल्ड्स एज वेल, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जैसे कि वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे जो टैक्सेस होते हैं ये हाउसहोल्ड्स लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर. सो ये रोल प्ले था थ्री सेक्टर इकोनॉमी का. टू सेक्टर इकोनॉमी जैसा बिल्कुल सेम रहेगा,
हाउसहोल्ड्स और फर्म्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रही है वो एज इट इज रहेंगी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई है. गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट हाउसहोल्ड्स और प्रोड्यूसर्स दोनों से ही टैक्सेस की पेमेंट्स लेगी और ट्रांसफर पेमेंट्स और वेजेस एंड सैलरीज जो देगी वो हाउसहोल्ड्स को देगी और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीद रही है क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स या फर्म्स से ले रही है उसके बदले में वो उनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगी. फाइनेंशियल सेक्टर का वही रोल रहेगा, फाइनेंशियल सेक्टर में हाउसहोल्ड्स और फर्म्स दोनों सेव करेंगे और इनसे जो बैंक्स हैं ये जो बैंक्स हैं इनसे हाउसहोल्ड्स और फर्म्स जब भी जरूरत पड़ेगी तो बोरो ही करेंगे. ये जो है आपका थ्री सेक्टर इकोनॉमी का रोल प्ले रहा. क्या कंक्लूजंस है, लेट अस सी. टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट में गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हो गया इसके अंदर थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, जिससे कि मनी फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउसहोल्ड हो रहा है. किस तरीके से हो रहा है, फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में हो रहा है. मनी फ्लो कैसे हुआ, हाउसहोल्ड्स को सरकार जो है फैक्टर पेमेंट्स देगी क्योंकि कुछ लोग वहां काम कर रहे होंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होंगे तो उसके बदले में गवर्नमेंट जो है हाउसहोल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स देगी. ट्रांसफर पेमेंट्स देगी जैसे कि स्कॉलरशिप्स होती हैं, ओल्ड एज पेंशन्स होती हैं या फिर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड अलाउंसेस होती हैं, ये ट्रांसफर पेमेंट्स देगी. और मनी फ्लो के ही फॉर्म में टैक्स पेमेंट सरकार हाउसहोल्ड से लेगी डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको बताया इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स. फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होगा, मनी फ्लो करेगी गवर्नमेंट से फर्म्स के पास. क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो है फर्म्स से गुड्स एंड सर्विस लेगी तो उसके बदले में पैसा देगी, तो ये पहला मनी फ्लो हो गया. दूसरा मनी फ्लो होगा फर्म्स से गवर्नमेंट की तरफ टैक्स के फॉर्म में, जैसे कि सेल्स टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स. इस तरीके की टैक्सेस जो है इनकी मूवमेंट रहेगी प्रोड्यूसर्स या फर्म्स से टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. आई होप आई एम क्वाइट क्लियर इन दिस. एंड विद दिस आपका थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी खत्म होता है. फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कौन से सेक्टर्स हैं, पहला सेक्टर हो गया आपका हाउसहोल्ड्स का, दूसरा सेक्टर जो है वो हो गया आपका प्रोड्यूसर्स या फर्म्स का, तीसरा सेक्टर जो है वो आपका गवर्नमेंट है एंड द फोर्थ सेक्टर इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसको ROW के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर आप इसको फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं. तो यहां तक जितनी भी मूवमेंट है वो एज इट इज रही जो हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है. गवर्नमेंट के बीच में, फर्म्स के बीच में और हाउसहोल्ड्स के बीच में उतनी ही इंटरेक्शंस हो रही है जितनी हमने अब तक पढ़ी थी. नई क्या चीज आई है, नई आई है इसके अंदर आपकी, नई जो चीज आई है वो आई है फॉरेन सेक्टर. उसके अंदर क्या हो रहा है, लेट अस सी. हाउसहोल्ड्स के साथ क्या रोल पे है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अब्रॉड जाते हैं काम करने के लिए, राइट. सो वंस दे गो अब्रॉड दे गिव देयर सर्विसेज देयर, उसके बदले में उन्हें क्या मिलेगी, फैक्टर सर्विसेज मिलेंगी. उसके बदले में क्या मिला उन्हें, उसके बदले में उन्हें मिला फैक्टर सर्विसेज, ठीक है ना. सो पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज जो हो गया आपका, वो जो लोग बाहर गए हैं काम करने के लिए वो पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज. सो दिस विल मूव फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर टुवर्ड्स दी हाउसहोल्ड्स. देन देयर वुड बी सम ट्रांसफर पेमेंट्स एज वेल, ठीक है. हम बाहर अगर रहते हैं या मान लीजिए माय मासी लिव्स इन US, वहां से कई बार वो मुझे कुछ डॉलर्स भेजेगी, कभी कुछ गिफ्ट्स भेजेगी, कभी मान लीजिए वहां से उन्होंने स्कॉलरशिप मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई स्कॉलरशिप मिली है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट होगी. ट्रांसफर पेमेंट्स एज आई टोल्ड यू दीज आर दोस पेमेंट्स जिनके बदले में हम किसी भी तरीके की कोई पेमेंट कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करते. सो देयर वुड बी सम ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर टू द हाउसहोल्ड्स. एंड लास्टली जो हाउसहोल्ड्स हैं वो कुछ इंपोर्ट करेंगे बाहर से सामान मंगाते हैं. माय मासी स्टेज आउटसाइड, जैसे मैंने आपको बोला माय मासी स्टेज आउटसाइड द कंट्री US में रहती हैं, तो मैंने उन्हें कहा चलो ठीक है भाई मेरे एप्पल का मैकबुक एयर ले, उसके बदले में आई सेंड सम मनी, ठीक है. नाउ दिस इज नॉट इम्पोर्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, ये इम्पोर्ट नहीं किया मैंने. इम्पोर्ट क्या होगा, इम्पोर्ट तो भाई प्रोड्यूसर्स करेंगे, ठीक है, जिसके बदले में वो पेमेंट्स करेंगे. लेकिन देयर वुड बी सम पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट्स फ्रॉम द फॉरेन, फ्रॉम द हाउसहोल्ड्स टू द फॉरेन सेक्टर्स एज वेल. नेक्स्ट, फॉरेन सेक्टर का और फर्म्स का क्या होगा. फर्म्स जो होंगी कुछ
प्रोड्यूस करेंगी तो वो उसको एक्सपोर्ट करेंगी, एक्सपोर्ट करेंगी तो उसके बदले में क्या होगा, पेमेंट्स मिलेगी उसको फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर. ठीक है ना, हमने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करे जिसके बदले में वी रिसीव सम पेमेंट्स, सो दे वुड बी रिसीव रिसीप्ट्स फॉर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर टू द फर्म्स. एंड इफ वी इंपोर्ट समथिंग एज वेल, फर्म्स जो है कुछ इंपोर्ट भी करेंगी फर्दर प्रोडक्शन के लिए. सो जब वो गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे थे उसके बदले में वो पेमेंट करेंगे फॉरेन सेक्टर को जिसकी डायरेक्शन इस तरह से, राइट. सो दिस इज योर फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी. नई चीज क्या आई, फॉरेन सेक्टर आया. फॉरेन सेक्टर में बदले में हम गुड्स, अगर हमने हाउस होल्ड को पेमेंट करी फॉरेन सेक्टर ने क्योंकि कुछ लोग बाहर जाकर ये काम कर रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट आई है फॉरेन सेक्टर से, और कई बार कुछ इम्पोर्ट भी करते हैं हाउस होल्ड उसके बदले में भी पेमेंट करते हैं. नेक्स्ट बिटवीन द फॉरेन सेक्टर एंड द फर्म्स क्या हो रहा है कि भाई फॉरेन सेक्टर को या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी ने या हमारी फर्म से कुछ प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट किया तो उसके बदले में पैसा लेंगे, रिसीट्स करेंगे. और मान लीजिए अगर फॉरेन सेक्टर से हमने कुछ इम्पोर्ट किया है, कुछ सामान किसी और इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी में हमने मंगाया है, तो उसके रिटर्न में हमें पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट